the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again namaskar adab sat sri akal dosto main ho dr paramjeet aap dekh rahe hain doctor education dosto corona ka zamana hai immune system ko jagana hai aur bahut sare products aap le rahe hain आज हम बात करेंगे ओमेगा थ्री ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स की इम्यून सिस्टम में क्या रोल है भाई ओमेगा थ्री में ईपीए होता है डीएचए होता है एएलए होता है हमने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में समझाया मेन चीज़ आपके ईपीए और डीएचए है जो अवेलेबल है सी फूड फिश ऑयल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें और हमारी बॉडी जो है इसको बहुत अच्छे मात्रा में नहीं बनाती है एएलए से थोड़ा बहुत आ जाता है तो ई और डीएचए आपको चाहिए असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और ये नेचुरली आपको फिश ऑयल से मिल जाएंगे और फिश ऑयल्स इसलिए आपको लेने चाहिए यहाँ पर ग्रेट नीड क्यों है यहां पर ये एक तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट देता है नंबर वन लेकिन क्या क्या बेनिफिट देता है आपको पता है कि ये इंफ्लामेशन कम करता है ओवरऑल इंफ्लामेशन रिड्यूस करता है तो किसी भी इंफ्लामेटरी कंडीशन रोमेटॉइड आर्थराइटिस से लेके एक एस्थमैटिक पेशेंट से लेके एक सिवियर कोरोना के पेशेंट से लेके एक सडन एक कार्डियक पेशेंट्स के लिए भी हेल्प करता है राइट ज्वाइंट पेन के लिए भी हेल्प करता है और इसमें यह भी देखा गया इट रिड्यूसेज योर चांसेस ऑफ सडन कार्डियक डेथ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज बीपी कम करता है ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है प्लैक कम करता है एथ्रोस्स कम करता है रिदम प्रॉब्लम कम करता है और आपका स्ट्रोक और हार्ट अटैक के रिस्क कम करता है सब हमने ऑलरेडी पहले समझाया हुआ है आपको पता होना चाहिए अब लेकिन बात आती है भाई ये इम्यून सिस्टम में कहाँ से और कैसे काम करेगा कोरोना में कैसे काम करेगा करेगा कि नहीं करेगा और इसके ऊपर एक पहले लोगों को नहीं पता था रिसेंटली रिसर्चेज हुई हैं जो कि टू और उसके बाद अभी टू 2019 uh, में रिसर्च हुई है राइट 2003 में जर्नल ऑफ ल्यूकोसाइड बायोलॉजी में रिसर्च में ये देखा गया कि भाई ये जो डीएचए और ईपीए है ये भैया ना सिर्फ एक पहले तो ये देखो एक तो ये इम्यून सप्रेसिंग है इम्यून सप्रेसिंग है ये हमें पता है सबको पता है क्या ये आपके इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको ये कम करता है इम्यून so, सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी बॉडी आपकी बॉडी इंफेक्शन को फाइट नहीं करेगी नो no. इसका मतलब ये आपकी बॉडी जब ओवर इंफ्लामेशन कर रही है इन्फ्लामेटरी डैमेज डैमेज हो रहा है ऑटो इम्यून डैमेज हो रहा है तब ये प्रोटेक्ट करती है प्लस अब ये देखा गया है कि इम्यून सप्रेसिंग ही नहीं है, इम्यून बैलेंसिंग है बैलेंसिंग मीन ये भैया ओमेगा थ्री आपके बी सेल्स बी सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है बी सेल्स आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के वो पार्ट है जो मेमोरी रखते हैं जो जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं जो वायरस के खिलाफ काम करती है वायरस की मेमोरी रखती हैं, जो इम्यून सिस्टम को प्रमोट करती है तो भैया ये, ये बात हो गई कि ये इम्यून सप्रेशन नहीं बोलते हैं बोल सकते हैं हम सिर्फ ओमेगा इमोगात्री को ये अब इम्यून बैलेंसिंग सप्लीमेंट है बहुत जरूरी है 2019 के जर्नल ऑफ मॉलिकुलर साइंस में यह देखा गया कि अब ओमेगा थ्री फैसी एसिड जो है रिव्यू में इफेक्ट क्या देखा गया इम्यून सेल्स काफी सारे जैसे मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस न्यूट्रोफिल्स उसके अलावा टी सेल टी सेल के रेगुलेटरी सेल रेगुलेटरी सेल बी सेल डेंडराइटिंग सेल नेचुरल किलर सेल मार्स सेल बेसोफिस इन सब के फंक्शंस को यह अफेक्ट करता है दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट फॉर द रोल ऑफ ऑल दीज थिंग्स और यहाँ पर क्या है ये सेलुलर मेम्ब्रेन का भी पार्ट है एक सेल के मेम्ब्रेन का पार्ट है और ये लिपिड्स और uh, क्या है ये एक तो इंफॉर्मेशन में काम इंफॉर्मेशन in, in, में काम करता है मतलब यहां पर uh, ना एक तो एक सेल और दूसरी सेल्स में जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं उसको रेगुलेट करने में मदद करता है सेल सिग्नलिंग में मदद करता है और यहां पर ये प्रो इन्फ्लामेटरी कास्केट जो होते हैं राइट इसको थोड़ा कम करता है साइटोकाइंस प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को कम करता है लेकिन ये प्रमोट करता है कि आपके खुद के मैक्रोफेजेस वो जो आए हुए सेल हैं जो बैक्टीरिया जो वायरस है उसको खा जाए सो so, मैक्रोफेज से फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है न्यूट्रोफ़िल से फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है टी सेल्स के डिफ्रेंशिएशन टी सेल्स के नंबर बढ़ाता है जो हेल्प करता है और ये सजेस्ट कर रहा है इतना सब का मतलब ये है कि ये एक अनस्पेसिफिक इम्यूनप्रेसर रिप्रेसर इम्यून सिस्टम को दबाने वाला नहीं है यह इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने वाली चीज है गाइड करने वाली चीज है कि कहां किसकी जरूरत है उसको करो ज्यादा बढ़ोगे तो कंट्रोल करेगा तो ओमेगा थ्री एक बैलेंस में होना बहुत जरूरी है टुगेदर अगर ये सारे पॉइंट को हम जोड़ के देखें तो ओमेगा थ्री सैचुरेशन 24 घंटे मतलब 24 फोर इंटू सेवन थ्री डेज आपके बॉडी में एक बैलेंस में होना चाहिए और इसलिए आपको रेगुलर बेसिस में अपने डाइट में ओमेगा 3 रखना चाहिए सो so, ओमेगा 3 फैटी एसिड या तो आप हफ्ते में दो बार एक बार दो ढाई सौ ग्राम की फिश खा लो या तो आपको ओमेगा थ्री का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा हमने पहले भी आपको ओमेगा थ्री से ओमेगा थ्री के एक दो सप्लीमेंट्स बताए हैं याद रखिए ओमेगा थ्री का एक हाइडोज हाई पोटेंसी सप्लीमेंट भी हमने आपको बताया है और दूसरे सप्लीमेंट्स भी हमने आपको बताया अगर आप ओमेगा थ्री के कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो तो वाइटमिन में आपको एक ओमेगा थ्री का सप्लीमेंट अपना रखना चाहिए अगर आप वेजिटेरियन अगर आप बंगाली हैं फिश खाते हैं या कोई भी हैं अगर रेगुलर फिश खाते हैं तो आपको ओमेगा थ्री की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर आप फिश नहीं खाते हो तो फिर आपको ओमेगा थ्री डेली या हफ्ते में दो तीन बार लेना चाहिए अब ऐसे में आप एक और ओमेगा थ्री का प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो कि इतना हाई प्रोटेंसी नहीं है बहुत लो प्रोटेंसी नहीं है हमने आपके सामने एक लो प्रोटेंसी एक नॉर्मल ओमेगा थ्री वाला पहले भी लाए हैं हायर प्रोटेंसी वाला आप देख सकते हैं वीडियोस। आज हम आपके सामने लाए हैं मसल नेक्टर का ओमेगा थ्री अब इस ओमेगा थ्री में ऐसा क्या है ठीक है बात करते हैं मसल नेक्टर का इसमें भैया ई पी और डीएचए कितना है एक कैप्सूल में इसके अंदर 300 हंड्रेड मिलीग्राम्स ई पी ए है और डी एच ए है टू हंड्रेड मेगा ऑलमोस्ट आपके सिंगल नीड के हिसाब से जो एक दिन की एक कैप्सूल काफ़ी हो जाएगी आपके लिए यहाँ पर दो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक दिन की एक कैप्सूल एवरेज नीड पे हाई डोज में नहीं ज़रूरत है जो तो मॉडरेट डोज हो गया ये वेरी लो डोज भी नहीं है वेरी वेरी मॉडरेट डोज हो गया ये सिंगल कैप्सूल चल जाएगी आपकी और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आपके पास मिल जाती हैं आपके सिक्सटी कैप दो महीने का कोटा पूरा टोटल हमारे पास 1000 थाउजेंड मिलीग्राम्स फिश ऑयल है जिसमें 500 हंड्रेड मिलीग्राम्स ई और डी एच ए है बाकी फिश ऑयल्स के दूसरे बेनिफिट्स इसमें आपको मिल जाएंगे सो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट जो अब हमने इसको यूज करना शुरू हाई पोटेंसी वाला भी है जो बीच बीच में कभी इस्तेमाल कर सकते हैं ये थोड़ा रेगुलर यूज वाला हो गया रेगुलर यूज देखो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं ओमेगा थ्री जो आपके पास होने चाहिए आपके घर में होने चाहिए चाहे ये ले लो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और भी बहुत सारे ओमेगा थ्री के प्रोडक्ट है आप कोई भी ले सकते हो आपकी मर्जी है हमेशा याद रखिए उस पर्टिकुलर चीज में ओमेगा थ्री के कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसमें आपको देखना क्या है उसमें आपको देखना है कि उसमें ईपीए डीएचए डी का लेवल कितना है और उसको कंपेयर करना है ए से और मैं हमेशा मना करता हूं ओमेगा थ्री सिक्स नाइन वाला मत लो या अगर थ्री सिक्स नाइन है तो उसमें कंपेयर करो कि उसमें ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स का रेशियो क्या है तो सब कुछ मैटर करता है लेकिन सिर्फ एक सबसे बड़ी चीज है ओमेगा थ्री वन और ओमेगा ओमेगा सिक्स टू या फोर ऐसा रेशियो होना चाहिए वन इंस टू टू या वन इंस टू फोर का रेशियो होना चाहिए ओमेगा सिक्स ज्यादा रह सकता है फोर टाइम्स या टू टाइम्स सो ये बहुत जरूरी है एक्सपेक्ट याद रखिए ओमेगा सिक्स से थोड़ा हमें दूर रहना बिकॉज इंडियन डाइट में ऑलरेडी ओमेगा सिक्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर इंपॉर्टेंस हमें बतानी थी आपके इम्यून सिस्टम के लिए याद रखिए आपके जितने भी हमने बात करें साइटोकाइंस मैक्रोफेजेस टी सेल्स बी सेल्स डेंड्राइटिक सेल नेचुरल किलर मास सेल्स ये सारे आपके इम्यून सिस्टम के हथियार है इनको रेगुलेट करने के लिए अगेन आई एम सेंग ये हर चीज को बूस्ट नहीं करता है कुछ को रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन अगर मान लो किसी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन साइटोकाइन स्टॉम आ रहा है तो ओमेगा थ्री हेल्प करेगा इट्स नॉट अ क्योर इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट इट्स अ एडिशन जैसे वाइटामिन सी है वाइटामिन सी सब ले रहे हैं अगर आप वाइटामिन सी का टेबलेट नहीं भी खा रहे हो तो आप टमाटर खाते हो आप ऐसी चीजें घर पे खाते हो जो रोज जिसमें वाइटामिन सी होता है बट फिश ऑयल ये किसी में नहीं बट ओमेगा थ्री ये आपको नॉर्मल खाने पीने वाली चीज़ों से नहीं मिलेगा ए एल ए फिर भी मिल सकता है सीड से वेजिटेरियन लोगों को पर वो फ्लैक्सीड्स का ए एल ए इसके मुकाबले बहुत ही बहुत ही ना के बराबर डोसेज है क्योंकि तो वहाँ पर सिर्फ एक या दो परसेंट ई पी ए डी एच ए में कन्वर्ट होती है उसमें भी आप किलो किलो फ्लैक्सीड तो नहीं खाओगे सो so, इस चीज़ को अगर आप नॉन वेज खा सकते हो या ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स चलेगा तो ये जरूर इंक्लूड करें ऐसी कोई ना कोई ओमेगा थ्री फिश ऑयल्स अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन ऑप्शन भी अवेलेबल है आप ढूंढ लीजिएगा सर्च करके दैट्स ऑल थैंक यू सो मच आई होप दिस हेल्प्स स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थी स्टे सेफ